अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में आपका आज का टॉपिक है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होती है। एक किसी भी खास टॉपिक के बारे में, किसी भी खास चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट जब कर लेते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे देते हैं, एक ख़ास शक्ल दे देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये डेटाबेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेलीफोन बुक, जब आप सब लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, तो उसमें कॉन्टैक्ट्स की एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आपके मल्टीपल लोगों के फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, हाउस एड्रेस भी आप उसमें रख सकते हो। यानी वो फिर वो क्या कहलाएगी, एक ख़ास शक्ल में जब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया बहुत ज़्यादा लोगों के डेटा को, तो हम कहते हैं कि ये एक डेटाबेस है। तो टेलीफोन बुक की डेटाबेस हो सकती है, मेलिंग लिस्ट की डेटाबेस हो सकती है, एड्रेस लिस्ट की डेटाबेस हो सकती है, सेट ऑफ डेटा रिलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज और टॉपिक, किसी ख़ास मकसद के लिए हम उसको जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा नादरा की डेटाबेस। नादरा की डेटाबेस से क्या मुराद है, यानी नादरा एक अदारा है जो मुल्क के लोगों को के बारे में डेटा कलेक्ट करता है, जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनका सारा डेटा नादरा की डेटाबेस में पड़ा हुआ है, सारी कलेक्शन उनके पास है, और हर शख्स के बारे में मुख्तलिफ फील्ड्स उनके पास हैं, यानी उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उम्र हो गई, और इसके अलावा वो शादीशुदा है या नहीं है, इस किस्म की चीज़ें सारे फील्ड्स जो हैं उनकी डेटाबेस में हर किसी के फील्ड हैं। इट इंक्लूड्स टूल्स इंडीड नीडेड टू वर्क विद डेटा सच एज सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, एक्सट्रैक्टिंग और समराइजिंग। अब डेटा जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो आप उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है एक ख़ास तरतीब में ले आना डेटा को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी सीआर से बोलूँगी कि मुझे क्लास की एक लिस्ट दे दें, तो वो क्या करेगी, रोल नंबर वाइज लिस्ट देगी, तो मैं कहूँगी कि डेटा जो है ये रोल नंबर वाइज सॉर्टेड है। अगर वो मैं कहूँगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे दो, तो वो ए नाम वाली बच्चियों के नाम पहले लिखेगी और बाकी की अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उस तरह से सॉर्ट कर देगी, तो इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। अगर आपने किसी डेटा को सॉर्ट करके देखना हो, तो आपके पास अगर डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है तो इसको सॉर्ट करना बहुत आसान होता है। फिल्टरिंग का मतलब होता है किसी ख़ास फील्ड की कोई ख़ास वैल्यू निकाल के लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कहूँ कि जिन बच्चों की उम्र 20 साल है, सिर्फ उनका रिकॉर्ड दिखा दो, तो मैंने फ़िल्टर कर लिए सारे रिकॉर्ड में से सिर्फ 20 साल की एज वाले लोग। एक्सट्रैक्टिंग का भी यही मतलब होता है कि कुछ ख़ास डेटा निकाल के अलग कर लेना। समराइजिंग, कोई ख़ास रिपोर्ट अगर आपने तैयार करनी है, समराइज करके डेटा दिखाना है, किसी ख़ास शक्ल में दिखाना है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। अब बात हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देख लिया, बात कर लेते हैं डेटाबेस की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो डेटाबेस की है, जो जब भी डेटाबेस का आप नाम लेंगे तो टेबल का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि जितनी भी डेटाबेस के अंदर डेटा है वो आप टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब टेबल क्या होता है, टेबल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने बाकी जो है पढ़ा होगा पहले भी, तो मैं आपको एक ख़ास टेबल की शक्ल बना के दिखा देती हूँ किस तरह का होता है। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में इस तरह से आपके पास डेटा स्टोर होता है। क्योंकि मैं मोबाइल का लैपटॉप का टच पैड इस्तेमाल कर रही हूँ, इस वजह से ये इतना क्लियर नहीं बनेगा, नीट नहीं बनेगा। नहीं तो टेबल में रोज कॉलम्स की फॉर्म में होता है। ये जो चीज़ है, यहाँ पे हेडिंग्स आती हैं और यहाँ पे रो वाइज जो है वो डेटा। अलिस्ट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन कॉलम्स एंड रोज, टेबल किसको कहते हैं, तो लिस्ट कर दी इंफॉर्मेशन हमने कॉलम्स की फॉर्म में और रोज की फॉर्म में। ईच रो इन अ टेबल इज कंसीडर्ड अ रिकॉर्ड, टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती हैं उनमें से हर एक को हम एक रिकॉर्ड कहते हैं। यानी ये एक लाइन एक रिकॉर्ड होगी, ये दूसरी लाइन दूसरा रिकॉर्ड होगी, और ये तीसरी लाइन तीसरा रिकॉर्ड होगी। ईच कॉलम इन द टेबल इज अ कैटेगरी और अ फील्ड, हर कॉलम जो होता है उसको क्या कहते हैं,
या फिर कैटेगरी, जैसे कि फोन नंबर्स, फोन बुक के अंदर आप कह सकते हैं नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी हेडिंग्स जो आपके कॉलम नेम्स होंगे। वन आइटम ऑफ डेटा सच एज योर फोन नंबर इन द फोन बुक इज कॉल्ड अ डेटा वैल्यू। अब किसी एक खास बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी उसको आप क्या कहोगे, ये है डेटा वैल्यू। नेक्स्ट है जी, टेबल के बाद है क्वेरी। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और शो इंफॉर्मेशन इन डेटा शीट। अब डेटाबेस के अंदर दो मुख्य व्यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं डेटा शीट व्यू, जिस तरह से ये टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है, बिल्कुल टेबल्स की फॉर्म में ही नजर आता है, तो उस वजह से हम इसको कहते हैं डेटा शीट। क्वेरी क्या है? डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है। क्वेरी किसी खास चीज़ को दिखाने के लिए, कुछ खास रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए, कोई खास काम करने के लिए डेटाबेस में, जैसे कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, कोई पुराना रिकॉर्ड डिलीट करना है, पुरानी कोई वैल्यू चेंज करनी है, तो ये सारे काम आप डेटाबेस की क्वेरी के जरिए कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, यू कैन यूज अ क्वेरी टू शो ऑल कस्टमर्स हु हैव ऑर्डर्ड अ सर्टेन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स की डेटाबेस है, जो कस्टमर कोई खास प्रोडक्ट, आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग अगर कभी किसी ने की हो तो ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर जब प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं किसी खास प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर लिखा भी आ रहा होता है कि इतने कस्टमर्स ने ये ऑर्डर किया,